हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 3। सुबह के बज रहे हैं 6 और ऑलमोस्ट सभी लोग उठ चुके हैं, सिर्फ बच्चे लोग सो रहे हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ कुछ बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं बाहर, कुछ लोग इधर उधर हैं अभी, और ये है यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा। अब आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं कलछिपा, जो कि मेरा यानी कि मेरी दादी का घर है, क्योंकि बहुत साल हो गए जो कि नहीं देखा, यहाँ पे भी नहीं देखा था। सो अब आज हम वहाँ का टूर करेंगे, चलिए मेरे साथ अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए। और ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा। अरे कल चलें, कल हेलो, ऊपर चढ़ना पड़ता है फिर नीचे उतरना पड़ता है, यहाँ के रास्ते ऐसे ही हैं, जो कि मज़ा आता है। हम चल पड़े हैं और मरंडा पीना। मैं पीऊंगा लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा ठीक है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो मासी सब मिलता है। अरे मासी सुनो, तुमने घर खेत ले रखा हल्के में, एक मटन चिकन के अलावा बाकी तो सब मिल जाएगा। मक्खन, दूध, दही, घी, अच्छा? अरे दुकान वाले का नाम भी प्रकाश है। ये हंसी वादियाँ गुलासमा आ गए हम कहाँ मेरे साथ। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे, क्योंकि जो घर है वो नीचे की तरफ है। सो लेट्स गो। ये भी एक ट्रैकिंग है, देख सकते हो आप सब, नीचे जाने का रास्ता। आई होप आपको दिख रहा हो। मम्मी, मासी, मामी, भैया लोग अभी ऊपर हैं, सामान निकाल रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं। कुछ तो बात है पहाड़ों में, इसलिए लोग यहाँ घूमने आते हैं, और मेरा तो घर ही पहाड़ों में है। सुकून, पीसफुल। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं घर, यहाँ पे मेरे ही रिलेटिव्स के घर हैं। सो पहले हम लोग उनसे मिलेंगे। चलते हैं। आ रहे अभी, यहाँ से जाना है। चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? खाओ क्या भी बनी, पाक कैसे खाओ? मेरी ताई चाय बना रही है। और ये इनका पीछे, घर के पीछे का हिस्सा। हाँ, कितने साल बाद, 13 साल बाद। अच्छा लग रहा है। अब फाइनली मैं जा रही हूँ अपने वाले घर पे। यहाँ की सीढ़ी फिर, और वो दोनों छोटे बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। ये रहा घर। चलो चले अंदर। पहला कमरा, छोटे
अब थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो गाइस आज आपकी सस्ती ब्लॉगर झाड़ू ला रही है। देख लाना जरूरी है ये चीज, एप्पल बार बार देते नहीं है। और हमारे यहाँ आम के पेड़ हैं बहुत सारे, आप देख रहे हैं झड़ झड़ के गिर चुके हैं और अभी भी कुछ कुछ लगे हुए हैं। ये रहे। और ये है कुछ नज़ारा मेरे घर से बाहर आके। नीचे भी एक गांव है जो कि जाने का टाइम नहीं है, सो बस आपको यहां का व्यू दिखाते हैं। और यहां से है मेरे घर की छत। और ये है कुछ आसमान का नज़ारा। देखिए मेरी मौसी पेड़ पे चल चुकी है डाल पे आम तोड़ने के लिए। अरे यार गिरना मत यार तुम, रुको जरा रुको। इतने ही आम कलेक्ट कर पाए हम लोग। बहुत ऊपर है यार, कैसे उतरेंगे ये, कैसे टूटेंगे। सो अब हम वापस जा रहे हैं रोटा पानी, इट मीन्स मेरे मामा के घर, नाना नानी के घर। हमने आम कलेक्ट कर लिए हैं और ये बच्चे भी वापस हमारे साथ चल रहे हैं, इनको वरना रोक नहीं सकते, इन दोनों को यहीं छोड़ के चले आते हैं। चलो पहुंचते हैं रोटा पानी। गाइस अभी इतना ऊपर वापस जाना है गाड़ी के पास तक, और वो जो गाड़ी दिख रही है सफ़ेद सी वहां तक जाना है। और सो फाइनली हम पहुंच गए हैं रोटा पानी। अब हम निकले हैं रोटा पानी की सैर पे। सो हम सबसे पुरानी टंकी पे जा रहे हैं जहाँ से व्यू बहुत ही अलग है। वो कुछ लोग ऊपर हैं। अब हम जा रहे हैं रोड पर और ये है पीरू। इससे क्या होता है कि इससे अगर आपका बैलेंस नहीं बना सही से तो आप फिसल सकते हैं और सीधा नीचे चले जाएंगे एकदम। आपको बिना किसी स्टेप्स को नीचे उतरने की बजाय एक ही बार में डायरेक्ट नीचे, सो बहुत ध्यान से चलना होता है। और ये पेड़ ऐसा होता है, इसके वो लीव्स, हाँ लीव्स जो हैं वो, और इसमें ना दाम लगते हैं जो कि पहाड़ों में इसको ये दिख रहे होंगे आई थिंक, छोटे छोटे इसको सजाते भी हैं और इसमें दाम लगते हैं छोटे से, जैसे बादाम होते हैं वैसे यहाँ इसमें दाम होते हैं जो हम खाते हैं। मज़ा आता है। अब थोड़ा रिस्की एरिया है ये, तो पता चला कि मैं भी एक ही बारे में नीचे पहुँच जाऊँ। हैं हाँ थोड़ा सा चलेंगे अभी, लेट्स सी। अरे 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 यार बैलेंस, सो भी मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ पहले मैं पहुँच जाऊँ। सो हमने बहुत सारी वीडियो क्लिक कर ली है, फोटोज़ क्लिक कर ली है और शाम के 7 बज रहे हैं तो अब हम वापस घर जाते हैं। मौसम ने एकदम से जज्बात बदल दिए, खूबसूरत। डिनर टाइम।
खराब वाला भेज के ले जाओ। हम जा रहे हैं जागरी देखने, जो कि एक पूजा है, और हम लोग रात के 11 बजे के करीब जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा जो है घर ऊपर है, जो कि मेरी सगी बुआ का घर है, तो वहाँ पे है पूजा। और देख सकते हैं आप, कुछ लोग, हम चार अभी जा रहे हैं, बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं, और काफ़ी लोग सो चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की पूजा। तो हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट बुआ के घर, और पीछे जो दिख नहीं रहे हैं, इतना अंधेरा है। कितना अंधेरा है? बहुत अंधेरा है। 11 बज गए शायद। हाँ जी, 11 बज चुके हैं। चलो, और हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। गर्मी की बात कर रहे हो? अरे कारो पानी पट 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 पट, आपको आवाज और कारो अगर सुनाई दे रहे अंदर, ये भी गारंटी में दे रहा हूँ। आज हम खुशी के लिए इन्हों लगे थे, यूं तेरों लगे थे। अच्छा अच्छा, गेट जो लगा सो फाइनली पूजा खत्म हो गई, और हम सब धीरे धीरे करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, और रात के 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, और हम घर जा रहे हैं।